इंडिया में जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात आती है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को चाहिए एक बजट के अंदर, और बजट की बात आती है तो ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए टॉप 5 वो स्कूटर लेके आया हूँ जो कि आपके बजट में आने वाले हैं, 1 लाख के आसपास रहने वाले हैं, और पाँचों स्कूटर फैमिली पर्पज के हिसाब से, यार फैमिली के हिसाब से बेस्ट स्कूटर हो सकते हैं। तो आप इन 5 में से कोई भी स्कूटर ले सकते हो, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं 5 के डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, चाहे वो सर्विस को लेके हो, चाहे वो प्राइसिंग को लेके हो, चाहे वो मोटर पावर परफॉर्मेंस को लेके हो, सब के अंदर ही आपको पर्टिकुलर एक एक चीज बताने वाला हूं ताकि आपके माइंड में ये सब चीजें क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। देखो जो 5 स्कूटर है ये स्टार्ट होते हैं 94,000 रुपए के एक्स शोरूम से और एंड होते हैं 1,10,000 रुपए के एक्स शोरूम में। मैं आपको बताने वाला हूं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कि जो लोएस्ट प्राइस पे है उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, जो हाईएस्ट प्राइस पे है उसको लास्ट नंबर पे रखते हैं। सबसे पहले बात करें जो सबसे सस्ता है वो है वीडा का V1 प्लस जो कि 94,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। अभी डिजाइन की बात करें तो वीडा V1 प्लस का जो डिजाइन है, फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा बूट इस पे देखने को मिल जाता है, सीट लेंथ भी काफी अच्छी खासी इसमें देखने को मिल जाती है, जहां पे आप इजीली 2 जन तो बैठ सकते हो, कुछ सामान बीच में रखना है तो वो भी रख सकते हो। हाँ, ग्रैब हैंडल नहीं देखने को मिलता है, बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाता है, रियर में आपको सिंगल शॉक ही देखने को मिलता है। लेकिन जिसके अंदर मोटर लगी हुई है वो लगी हुई है साइड माउंटेड मोटर, जिसकी पीक पावर जो है वो है 6000 वॉट की, जो कि मुझे लगता है इस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी अच्छी है। वहीं साथ में बात की जाए इसके अंदर बैटरी पैक कितना मिलता है तो 3.44 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी एक्चुअल रेंज निकल के आ जाती है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, मतलब 90 से 100 के बीच में आपको निकल के आ जाएगी। 0 to 40 जाने में इसको लगता है 3.4 सेकंड, और इसके साथ जो चार्जर आता है वो आता है 650 वॉट का, जिसको चार्ज होने, मतलब 0 to 100% चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे के आसपास लगने वाले हैं, 0 to 80 चार्ज होने में लगभग 5 घंटे के आसपास। इसमें आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, इको, राइड एंड स्पोर्ट, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, और वारंटी की बात करें तो 3 साल 30,000 मिलती है, लेकिन आप एक्सटेंड लेते हो तो 5 साल 50,000 किलोमीटर मिल जाती है। अभी देखो वीडा तो मैं खुद भी चला रहा हूँ, तो पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ मैं आपको, तो आज की डेट में मेरे पास ओला भी है, वीडा भी है, तो मैं फर्स्ट चॉइस रखता हूँ कि यार वीडा चलाई जाए, क्योंकि वीडा का जो राइड एक्सपीरियंस है, जो राइड स्मूथनेस है, वो मुझे ओला के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो झटके है ना वो इसमें नहीं आते हैं। बाकी एंड में आपको मैं 5 के बारे में बताने वाला हूँ। अब आता है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे जिसको मैंने रखा है वो है टीवीएस की iQube 2.2 किलोवाट बैटरी पैक। इसका एक्चुअल प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 95,000 रहता है, मतलब 95,000 रुपए रहता है। और इस स्कूटर की बात करें तो ये आज की डेट में इंडिया का फेवरेट फैमिली स्कूटर बन चुका है। रीजन क्या है, इतनी ज्यादा सेल्स प्लस जो फैमिली पर्पस होता है ना, वो सारे पूरे करता है टीवीएस iQube। अभी इसके अंदर आपको बात की जाए डिजाइन लैंग्वेज की, तो वही फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है, बूट इस पे जो 30 लीटर का देखने को मिल जाता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग मिल जाते हैं, रियर में ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। साथ में आपको इसके अंदर बेनिफिट यह है कि इसके अंदर आपको एक फिजिकल की मिलती है, जबकि वीडा के अंदर फॉब की मिलती है। अभी इसकी मोटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको हब मोटर ही मिलती है, जिसकी पीक पावर 4.4 किलोवाट की है। बैटरी की बात की जाए तो मैंने आपको जैसे बता दिया 2.2 किलोवाट की बैटरी पैक है, जिसके अंदर आपको एक्चुअल रेंज 75 किलोमीटर की मिलने वाली है। इसके अंदर आपको 2 मोड मिलने वाले हैं, इको एंड पावर। 0 to 40 जाने में लगते हैं 4.2 सेकंड, और इसकी जो ग्रेडेबिलिटी निकल के आती है वो आती है 10 डिग्री की। मतलब अगर आप हिल स्टेशन साइड रहते हो, आपको ग्रेडेबिलिटी ज्यादा चाहिए, मतलब कि ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ सके, तो ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। बाकी आपको टायर वही देखने को मिलते हैं 12 इंच के, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, वीडा में भी एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फ्रंट में एलॉय व्हील, रियर के अंदर ड्रम, वो हब मोटर लगी हुई है, बाकी 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल ही जाते हैं। बस इसमें एक बेनिफिट जो है ना वो है, सिर्फ 2 घंटे के अंदर 0 to 80% चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आता है वो आता है 950 वॉट का। वारंटी की बात की जाए तो वही 3 साल 30,000 किलोमीटर एक्सटेंड वारंटी के बाद 5 साल 50,000, 5 साल 60,000 किलोमीटर के आसपास की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। अब आपको ये लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अभी बात करते हैं थर्ड नंबर पे जिसको मैंने रखा है, वो है ओला का ओला S1 एयर, जिसके अंदर आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बूट स्पेस जो है 34 लीटर का देखने को मिल जाता है, सीट लेंथ भी इसकी ठीक ठाक है, इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाता है, रियर में ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये भी एक फैमिली स्कूटर बन जाता है। बस इसमें बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर आपको काफी सारे स्मार्ट फंक्शन देखने को मिलते हैं, टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, मूव OS 4 देखने को मिल जाता है, म्यूजिक देखने को मिल जाता है, और भी काफी कुछ जो स्मार्ट फंक्शन, जो फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, वो आपको ओला में देखने को मिलते हैं। बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको जो हब मोटर मिलती है, इसकी पीक पावर जो है वो 6000 वॉट की ही है। बात की जाए अगर बैटरी की, तो 3 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, जिसकी एक्चुअल रेंज निकल के आ जाती है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, कंपनी तो 125 बताती है, लेकिन मेरा मानना है 100 के आसपास निकल के आ जाएगी। 0 to 40 जाने में इसको लगते हैं 3.3 सेकंड, रेडेबिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है 15 डिग्री की,
बात की जाए अगर इसके अंदर मोड कितने मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको तीन मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। और इसकी जो टॉप स्पीड निकल के आती है आती है 90 किलोमीटर पर आवर की। इसका डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो जाके जरूर देख लेना। अब इसके अंदर आपको फ्रंट में रियर में ट्यूबलेस टायर तो देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टील व्हील देखने को मिलते हैं और ड्रम ब्रेक के साथ आता है। बात की जाए चार्जिंग टाइम की, तो इसके अंदर आपको जो चार्जर मिलता है 750 वाट का मिलता है, जिसको फुल चार्ज होने में मतलब 5 घंटे लगते हैं 0 to 100% चार्ज होने में। 80% की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। अब 1,05,000 के अंदर ये लेना चाहिए या फिर इससे पहले जो बताया वो लेना चाहिए, उसके लिए वेट करना एंड तक का। अभी बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जिसको मैंने रखा है, वो है एम्पियर का नेक्सस, जिसकी एक्सशोरूम प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपए रहने वाली है। अभी ये स्कूटर भी जो है ना परफेक्ट फैमिली स्कूटर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छा मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है 7 इंच का मिल जाता है। बाकी बटन फिनिश जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम नेस वाली देखने को मिलती है, हालांकि स्कूटर अभी तक मैंने नहीं देखा है रियल में। मतलब फंक्शनलिटी की बात की जाए, फिजिकली मैंने इसको यूज नहीं किया है तो मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पे आपको जो डिजाइन लैंग्वेज है प्रॉपर फैमिली स्कूटर वाली वाइब देता है। बूट स्पेस जो है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ज्यादा नहीं मिलता लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट सा बूट स्पेस है। बाकी फ्रंट में आपको इसके अंदर आप टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाते हैं, रियर में ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर जो आपको मोटर देखने को मिलती है वो मिलती है मिड ड्राइव मोटर, जिसकी पीक पावर 4 किलोवाट की है। और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, 12 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। बैटरी जो है वो इसके अंदर आपको 3 किलोवाट आवर की देखने को मिलती है, जिसकी IDC रेंज तो 136 है, लेकिन रियल वर्ल्ड में वही 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक है ना, तो उसकी रेंज सिमिलरली बताता हूँ मैं आपको, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही आती है चाहे कोई भी स्कूटर ले लो। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है 5-10 किलोमीटर का, वो उसके कार वेट के हिसाब से होता है। अभी यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है वो काफी कम है, 3.3 आवर का टाइम है 0 to 100% चार्ज होने में। इसमें आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं और टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है 93 किलोमीटर पर आवर की। ये स्कूटर आपको इजीली और जल्दी अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये डीलरशिप के थ्रू देने वाले हैं और डीलरशिप के अंदर एम्पियर की बात की, जो एम्पियर के जो शोरूम्स है वो काफी सारे अवेलेबल है, तो हर शोरूम के ऊपर जल्दी ही आने वाला है। हो सकता है कुछ शोरूम्स के ऊपर आ चुका हो, तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हो, टेस्ट राइड ले सकते हो। अब आते हैं जो लास्ट बचा है, वो है एथर कंपनी का रिस्टा एस, जो कि 1,10,000 रुपए की एक शोरूम में आ जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये एक पर्टिकुलरली कहा जा रहा है कि एथर कंपनी ने भी इसको यही कहा है कि ये हमारा पहला फैमिली स्कूटर है, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है वो भी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। सीट लेंथ जो है वो भी सबसे बड़ी सीट लेंथ है अभी तक की बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर 3 जने इजीली बैठ सकते हैं। फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिल जाते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है और काफी स्मूथ है इसका रियर सस्पेंशन। अभी रिस्टा इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको जो मोटर मिलती है वो मिड ड्राइव मोटर मिलती है, जिसकी पीक पावर 4.3 किलोवाट की है। और बैटरी पैक की बात की जाए तो 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक है, जिसकी एक्चुअल रेंज लगभग 80 से 90 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसमें आपको अगर जो स्पीड कंट्रोल है, जो मैजिक ट्विस्ट है वो चाहिए, तो आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा, जिसके लगभग 12 से 13 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बाकी इसकी ग्रेडेबिलिटी भी काफी ठीक ठाक है, 15 डिग्री के आसपास ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, 0 to 40 जाने में 4.7 सेकंड लगते हैं, 3 मोड देखने को मिल जाते हैं और टॉप स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाती है। फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। वहीं बात की जाए इसके चार्जिंग टाइम की, तो इसको चार्ज होने में लगभग 6 घंटे 40 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपको चार्जर मिलता है वो सबसे कम मिलता है 350 वाट का, जो कि मुझे लगता है 1,10,000 की प्राइस है इसके अंदर। इतना नहीं, थोड़ा सा अपर होना चाहिए था, लगभग 500-650 वाट का तो देना ही चाहिए था। वारंटी की बात की जाए तो 3 साल 30,000 किलोमीटर ही मिलती है, लेकिन एक्सटेंड वारंटी अगर आप प्रो पैक लेते हो तो आपको 5 साल 50,000 किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। तो ये 5 स्कूटर के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब आते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। वीडा V1 प्लस की बात करते हैं, इसमें आपको डिटेचेबल बैटरी मिल जाती है, तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं जिनको बैटरी निकाल के घर पर ले जाकर चार्ज करनी है उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जिनको TVS iQube चाहिए, जिनको कम रेंज चाहिए, उनके लिए TVS iQube बेस्ट है। फिर आते हैं ओला S1 Air के ऊपर, तो जो यंगस्टर्स हैं जिनको स्मार्ट फंक्शन चाहिए, फैंसी फीचर चाहिए, जैसे म्यूजिक हो गया, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल हो गया, मतलब जो जितने भी स्मार्ट फीचर्स आते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे ही ओला S1 Air के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो, ये थोड़ा सा आपको कूल बनाता है। फिर आते हैं एम्पियर नेक्सस के ऊपर, तो जो लोग फैमिली पर्पज से देख रहे हैं, जिनको चाहिए कि यार फिजिकल की भी चाहिए, कम पावर भी चाहिए, हमारे को टच डिस्प्ले भी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन भी चाहिए, तो एम्पियर नेक्सस पे भी जा सकते हैं। एंड फाइनली आता है रिस्टा एस। अब रिस्टा एस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि पर्टिकुलर फैमिली स्कूटर देख रहे हैं, जिसकी बूट स्पेस भी अच्छा खासा हो, सीट लेंथ भी काफी अच्छी हो, फ्लैट फुटबोर्ड भी अच्छा देखने को मिल जाए, तो उन लोगों के लिए रिस्टा एस एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जो कि 1,10,000 रुपए शोरूम में आ जाता है। इसमें मुझे एक ही कमी लगती है, वो है सिर्फ इसके चार्जिंग की, कि इसका चार्जिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा है, 6 घंटे 40 मिनट, क्योंकि चार्जर 350 वाट का ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको चार्जिंग इश्यूज नहीं है तो आप रिस्टा एस पे भी जा सकते हो। और इन पांचों में अगर वारंटी की बात की जाए तो सबसे अच्छी वारंटी तो ओला ही प्रोवाइड करता है, 8 साल 80,000 किलोमीटर की। अब इनमें से आप कौन सा लेने जा रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और आपके क्या डाउट सॉल्व हो चुका है या नहीं कमेंट में जरूर बताना, और फिर भी कोई रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको पूरी कोशिश
करूंगा कमेंट में रिप्लाई देने की। बाकी इसी तरीके को वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।